रिलायंस रिटेल ने पूरी तरह से कमर कस ली है एफएमसीजी सेक्टर में तहलका मचाने के लिए। पहले कैंपा के साथ सॉफ्ट ड्रिंक बाजार में एंट्री मारकर कोक और पेप्सी की नींद उड़ा दी और अब रिलायंस रिटेल की फुल ओन्ड सब्सिडरी आरसीपीएल ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक कंपनी ने होम और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स को बाजार में उतार दिया है, साथ ही कंपनी ने एफएमसीजी पोर्टफोलियो के विस्तार की घोषणा भी कर डाली है। कंपनी ने होम और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के पोर्टफोलियो में थोड़े बहुत नहीं एक साथ कई सारे ब्रांड उतारे हैं, जैसे ग्लिमर ब्यूटी साबुन, गेल रियल नेचुरल साबुन, प्यूरिक हाइजीन साबुन, डोजो डिशवॉश बार और लिक्विड, होमगार्ड टॉयलेट एंड फ्लोर क्लीनर और एंजो लॉन्ड्री डिटर्जेंट पाउडर, साथ ही लिक्विड एंड बार भी इसमें शामिल हैं। यानी रिलायंस ने एचयूएल जैसे बड़े ब्रांड्स जो कि एफएमसीजी सेक्टर के सहनशाह की तरह टिके हुए हैं उनसे सीधा मुकाबला करने की तैयारी कर ली है। ऐसा हम इसलिए भी कह पा रहे हैं क्योंकि रिलायंस के सभी प्रोडक्ट्स बाजार में सबसे किफ़ायती होंगे और हर प्रोडक्ट क्वालिटी में एकदम खरा होगा। आप कहेंगे भला आपको कैसे पता भाई, तो ऐसा हम नहीं बल्कि कंपनी दावा कर रही है। खास करके ग्लिमर, गेल रियल और प्यूरिक साबुन की किफ़ायती होने के साथ ग्रेड वन के साबुन होने का दावा कंपनी कर रही है। इसमें टोटल फैट मैटर्स यानी TFM कम से कम 75% होने की बात कही जा रही है। इसमें आपको कई प्रकार की सुगंधें भी मिलेंगी, जैसे ग्लिमर में रोज, जैस्मिन, लेवेंडर और फ्लोरल बर्स्ट वेरियंट शामिल है। इसके अलावा गेट रियल में चंदन, नीम और मिश्रित जड़ी बूटियां शामिल हैं। इसके अलावा प्यूरिक साबुन में एक्टिवर पावर और हल्दी एलो की सुगंधें उपलब्ध होंगी। इसी तरह बायो एंजाइमस के साथ अपने अनूठे 2x पावर वॉश फॉर्मूले के साथ डोजो डिशवॉश लिक्विड बर्तन धोने को आसान बनाएगा। डोजो का लक्ष्य लाखों उपभोक्ताओं को डिश वॉशिंग के थकाऊ और पकाऊ काम से आज़ादी दिलाना है। यानी कंपनी ने अपने हर एक प्रोडक्ट को दमदार और शानदार बनाया है और कीमत रखी है मात्र 25 रुपये। हर एक प्रोडक्ट की कीमत है मात्र 25 रुपये। बाजार में एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के जो और ब्रांड्स हैं उनकी कीमत 25 रुपये से तो आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या पहले से मौजूद एफएमसीजी सेक्टर का बादशाह यानी एचयूएल जैसा ब्रांड अपने प्रोडक्ट के दाम कम करेगा, जैसा कि कोक ने कैंपा के आने के बाद किया। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें, कैंपा के आने के बाद कोका कोला ने अपनी 200 ml वाली कांच की बोतल के दाम 5 रुपये तक घटा दिए, जबकि पहले कोका कोला की 200 ml वाली बोतल 15 रुपये में बिकती थी जो अब 10 रुपये में सेल की जा रही है। यहाँ आपको बता दें कैंपा की 200 ml की बोतल भी 10 रुपये में ही बिक रही है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि एफएमसीजी सेक्टर में रिलायंस का ये कदम एक सेक्टर के बाकी धुरंधरों में कितनी खलबली पैदा करेगा। वैसे प्रतिद्वंदियों के बीच जो मर्जी हो, अंत में फायदा तो ग्राहकों का ही होगा। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताएं।